आज हम अध्याय 9 रासायनिक सूत्र एवं मूल संकल्पना पढ़ेंगे। ये नवमी का विज्ञान है जिसमें ये है भाग एक, है ना, जिसमें सबसे पहले आता है रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा? पहले यौगिक का निर्माण होगा। यौगिक के निर्माण के लिए दो या दो से अधिक तत्व आपस में सहयोग करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। ये जो यौगिक होते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, है ना, निश्चित अनुपात में मिलेंगे और यौगिक का निर्माण करेंगे, और जो यौगिक जो हमें प्राप्त होगा उसको वहां पर क्या कहा जाएगा? रासायनिक सूत्र कहा जाएगा। फिर आता है मूल संकल्पना। मूल संकल्पना मतलब जो हमें यौगिक जो प्राप्त हुआ, जो सूत्र जो प्राप्त हुआ, उन्हीं की ही संख्या क्या कहलाएगी? यहाँ पर मूल कहलाएगी, है ना। जिसमें सबसे पहला आता है सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र। सहसंयोजी मीन्स आते हो, सहसंयोजी मीन्स क्या होता है कि तत्व तो आपस में सहभाजन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके क्या करते हैं? सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। जिसमें सहसंयोजी यौगिक का सूत्र कैसे बनेगा? जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये कार्बन है ना, ठीक है, कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो जब इसके लिए प्रोडक्ट विन्यास करोगे तो कितना होगा? 2 और 4 होगा। अब देखो 4 है, 4 इसकी क्या हो गई? इसकी सहजकता हो गई, है ना। और इसको जब बिंदु के रूप में जब लिखा जाता है तो इसको लुईस प्रतीक कहा जाता है ना। इस बिंदु के रूप में जब इसे लिखा जाता है तो इसे लुईस प्रतीक कहा जाता है। जैसे कार्बन है ना, कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, ठीक, दो ऑक्सीजन आपस में सहयोग करेंगे, है ना, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन आपस में सहयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 और 6 होगा, है ना। तो उसको 6 को किसमें? लुईस प्रतीक के रूप में लिखेंगे। तो ये 2 हो गया, 4, 5, ठीक, 6। उसी तरह से ये भी, ठीक है। अब देखो दोनों आपस में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। देखो इसको कार्बन की सहजकता कितनी है? 4। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? सहभाजन कर लेगा। उसी तरह से ये भी क्या करेगा? कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ सहभाजन कर देगा, और ये जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे? सहभाजन करेंगे। तो दोनों आपस में सहभाजन हुए जिसके कारण किसका निर्माण हुआ? CO2 का निर्माण हुआ। तो ये हो गया उसका रासायनिक सहसंयोजी यौगिक का क्या हो गया? सूत्र हो गया, ठीक है। फिर आता है सहसंयोजी यौगिकों के अणु भार। अब अणु भार कैसे निकालेंगे? जैसे एलिमेंट्स है, है ना, जिसमें उसके अणु सूत्र कैसे, अणु भार कैसे निकाला जाता है? उसके परमाणु आधार पर, ठीक है, परमाणु भार के आधार पर उसका क्या निकाला जाता है? अणु भार निकाला जाता है। तो जैसे मान लो H2O, है ना, ये किसका है? जल का रासायनिक सूत्र है, जिसमें हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है ना, उसका भार कितना होता है? 1। तो इसका ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इनटू इसमें इसका भार कितना होता है? परमाणु भार 1 होगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है ना, कितना होगा? 16 होगा। तो दोनों आपस में मिलाएंगे तो कितना होगा? ये 2 हो गया, और 2 और 16 कितना हो जाएगा? 18। तो इस 18 इसका क्या हो जाएगा? अणु भार हो जाएगा। उसी तरह से नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है? N2, ठीक। तो N2 मतलब इससे कितना होता है? 14 × 2 = 40। तो कितना हो गया इसका?